वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास है डॉल्फिन मैथ्स। आज का सेशन है जिसमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात किया जाता है, मूलों की प्रकृति प्राप्त करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, देखिए अगर इस तरह का समीकरण है कि 2x² - x - 1 = 0 या 6x² - 11x + 3 = 0 है ना, और उसमें इसमें जो है दो शब्द आपके आएंगे इस चैप्टर में 3a में, 3a अभी हम लोग ख़त्म किए हैं और 3b में आ गए। 3b में एक नया शब्द जुड़ेगा जिसका नाम है विवेचक या विव्यक्ति कर। ठीक है, विवेचक या विव्यक्ति कर, तो विवेचक या विव्यक्ति कर जो होता है इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको ध्यान रखना डिस्क्रिमिनेंट। और यही वजह है कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए विवेचक का या विव्यक्ति कर का संकेत जो होता है वह डी होता है। तो विवेचक या विव्यक्ति कर को संकेत डी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसी डी से, इसी डी के माध्यम से हम लोग बताते हैं कि जो इस तरह के समीकरण है रैखिक, ये जो है द्विघात समीकरण, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा, इसका गुण नेचर क्या होगा। तो देखिए इसके मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है, मूलों की प्रकृति, है ना, तो मूलों की प्रकृति का मतलब हुआ, मूलों की प्रकृति का मतलब है कि इसका मूल जो होगा वह कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, है ना, वास्तविक होगा कि नहीं होगा, तो वास्तविक या अवास्तविक। ठीक है, वास्तविक या अवास्तविक, इसमें वास्तविक होने में दो कंडीशन होता है कि समान और असमान। ठीक है, समान होगा तो असमान, वास्तविक जब होगा तो समान होगा या असमान होगा, वह दो तरह कंडीशंस आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई समीकरण है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, तो उसके मूलों की प्रकृति बताना होगा। तो मूल की प्रकृति में दो बातें होंगे, या तो वो वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा। अब सवाल ये है कि वास्तविक कब होता है, अवास्तविक कब होता है। तो देखिए डी का वैल्यू जो होता है अगर बड़ा या बराबर जीरो से होता है तो ये वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, यदि डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो इसको अवास्तविक बोलते हैं। ठीक है, अवास्तविक बोलते हैं। जब डी का मान जीरो से बड़ा या बराबर हो जाए तो वास्तविक, और डी का मान अगर जीरो से छोटा आ जाए यानी कि माइनस चला जाए तो वह हो जाएगा अवास्तविक। क्या हो जाएगा, अवास्तविक। अवास्तविक आने के कंडीशन में हम सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं, यानी कोई वास्तविक इसका हल नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए ये डी क्या होता है, डी क्या होता है, तो द्विघात समीकरण यदि इस तरह का समीकरण है ax² + bx + c = 0, अगर ये मानक रूप दिया हुआ है, ऐसे ये सवाल अगर रहता है इस कंडीशन में, यानी कि इस तरह का समीकरण होता है, तो इसके लिए डी जो होता है वो देखिए ज़रा, तक इसमें जो होगा b² - 4ac को विवेचक, क्या विवेचक, क्या कहते हैं, विवेचक या विवेचक कहते हैं, b² - 4ac को क्या कहते हैं, विवेचक, विवेचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, b² - 4ac को विवेचक कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अगर द्विघात समीकरण का मूल रूप एक ax² + bx + c = 0 हो तो b² - 4ac को विवेचक कहते हैं, इसे डी द्वारा सूचित करते हैं। इसका मतलब है कि डी का जो वैल्यू हो गया आपका वह क्या हो जाएगा, तो b² - 4ac होता है। और आप जानते हैं कि श्रीधाराचार्य के सूत्र के अनुसार क्या होता है कि √b - √b² - 4ac/2a, ये आपका जो रूट है इसी में का
ये रूट का वैल्यू है। अब इसी में देखिए ये जो रूट के अंदर है वैल्यू, ये अंदर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी को क्या कहा जाता है, डी कहा जाता है। अर्थात अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट ए टू ए, और डी क्या हो गया, विवेचक, क्या हो गया डी, विवेचक हो गया। तो इस चैप्टर में आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने के बाद हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण में चैप्टर नंबर ए और चैप्टर नंबर बी पढ़े, तो ये खत्म होने के बाद बी में आ गए, और बी में हमें जो पढ़ना है द्विघात समीकरण का विवेचक प्राप्त करना है, क्या है, विवेचक या विभक्तिकर प्राप्त करना, जिस क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं और डी से शुद्ध किया जाता है। देखिए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को विवेचक कहते हैं, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो गया। ठीक है, ये कब होता है, जब द्विघात समीकरण का मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो, जब इस तरह की बात होता है तो इसको हम लोग विवेचक कहते हैं। अब इस विवेचक से क्या होता है, तो समीकरण के मूल जो होता है द्विघात समीकरण मूल, वह वास्तविक या अवास्तविक होता है, यानी कि मूलों की प्रकृति जो हो गया, ये मूल बात है कि मूलों की प्रकृति जो हो गया वह दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे। मूलों की प्रकृति मतलब जो है एक्स का मान जो निकलेगा, एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का जो वैल्यू हम निकालते हैं, या तो वास्तविक आएगा या तो अवास्तविक आएगा। तो जब अवास्तविक आएगा तो क्या होगा, वास्तविक आएगा तो क्या होगा, या कब अवास्तविक आएगा कब वास्तविक आएगा। देखिए तो इसी डी के मान से हमें पता चलेगा कि कब वास्तविक होगा कब अवास्तविक होगा। तो जब ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर सी हो गया, यानी कि ये जब हम इसको फाइंड करेंगे, अगर अगर डी का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, यानी कि जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से कोई भी वैल्यू भरा आ जाए, 0.1 या कुछ भी इस तरह से जीरो से बड़ा आ जाए, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर भी होगा, उस कंडीशंस में क्या होगा, वास्तविक वैल्यू होगा, यानी कि एक्स का मूल होगा। इस कंडीशन में हल करेंगे, अब अवास्तविक जब बात होगा तो जीरो से छोटा, यानी कि माइनस में कुछ भी निगेटिव अगर आता है, कुछ भी अगर नेगेटिव आ जाता है इस तरह से, नेगेटिव माइनस वन माइनस टू कुछ भी माइनस में आ जाता है, तो अवास्तविक होगा उस कंडीशन में, जब उस द्विघात समीकरण को हल नहीं करेंगे, जब ये नेगेटिव आ जाएगा, क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो डी जब आ गया आपका, तो श्रीधाराचार्य के नियम अनुसार आप देख रहे हैं, क्या जानते हैं, श्रीधाराचार्य के नियम अनुसार ये जो होता है फॉर्मूला, द्विघात सूत्र जो होता है उसी को श्रीधाराचार्य नियम कहते हैं, श्रीधाराचार्य के सूत्र कहते हैं। तो श्रीधाराचार्य के सूत्र के अनुसार मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट टू ए होता है। अब इसी फार्मूला को हम लोग वापस लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट टू ए लिख सकते हैं। तो ये धाराचार्य के नियम में थोड़ा परिवर्तन हम लोग कर दिए, तो चैप्टर नंबर 3B में हम लोग आ गए, 3B में आ गए, 3A के बाद किस में आ गए, 3B में आ गए। तो ये बी के लिए है, ठीक है, इसमें बस एक ही शब्द आएगा, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने पर आधारित प्रश्न होगा, और डी के आधार पर डी के सहायता से हम लोग द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे। इसमें गुणनखंड मेथड से भी हमको सवाल बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं गुणनखंड खत्म होगा, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आपको मिलेगा। जो गुणनखंड 3A में तो बस हम लोग परिचय देखे थे द्विघात समीकरण का, और 3B में विस्तार से पढ़ना है, 3B में विस्तार से पढ़ना है द्विघात समीकरण को, गुणनखंड मेथड से भी, इस मेथड से भी, और श्रीधाराचार्य के नियम के अनुसार भी, ठीक है। तो चलिए अब ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, किसका, द्विघात समीकरण का। देखिए अभी आपने समझा कि अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना, सी के फॉर्म में है, तो इस दशा में थोड़ा यहाँ नहीं दिख रहा है, यदि कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, और इसका संकेत क्या होता है, डी होता है, विवेचक कहते हैं और संकेत डी होता है। तो विवेचक या विविक्तिकर, विवेचक या विविक्तिकर है ना, या विविक्तिकर, दोनों एक ही चीज़ होता है, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इस तरह से जान गए, ठीक है। इस सवाल में द्विघात समीकरण में डी का मान, यहाँ जो ए है, ये ए बराबर जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर ए बराबर जीरो होगा तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब जो है ये सवाल दिया गया, देखिए जब हम जान गए कि विवेचक या विविक्तिकर क्या होता है, तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सवाल का एक सवाल लेते हैं कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो की प्राकृतिक चिन्ह क्या होगा, है ना, प्राकृतिक चिन्ह क्या होगा, मूलों का चिन्ह क्या होगा, जरा देख।
तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चूँकि प्रकृति निकालने के डी चाहिए, डी बराबर तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि यहाँ भी हमको ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले सवाल में से हम लोग ए बी सी का मान लिख लेंगे। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के बगल में दो है तो ये दो हो गया, है ना। और बी होता है एक्स के गुणांक, एक्स के बगल में कुछ भी नहीं तो माइनस एक हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है। सी बराबर क्या हो जाएगा था माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी का मान हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें चाहिए विवेचक, क्या चाहिए विवेचक चाहिए। तो चूँकि हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रख दिए हम, ठीक है, क्या रख दिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रख दिए। अब देखिए तो बी का वैल्यू कितना है माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू कितना है माइनस वन इंटू सी का वैल्यू कितना है फोर ए सी, फोर ए सी ए का वैल्यू टू है, सॉरी ए बराबर कितना है टू है, ए का वैल्यू जो है टू है इंटू सी का वैल्यू माइनस वन है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या जाएगा, तो ये वन आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस चार दूना आठ, ये आठ आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा, क्या जाएगा नौ, ठीक है, यानी कि नौ हो जाएगा। इसका मतलब है कि डी का जो मान हुआ, डी का जो वैल्यू हुआ, डी का जो वैल्यू हुआ वो जीरो से बड़ा आ गया। डी क्या है जीरो से बड़ा हो गया, जब डी से बड़ा हो गया इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक, और देखिए डी अगर जीरो से बड़ा हो तो असमान हो जाएगा, और असमान होगा, क्या होगा असमान हो, ठीक है। अगर डी बड़ा हो जाए, डी बड़ा हो जाए जीरो से तो मूल असमान हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में ये आप इसका मूल की प्रकृति बता सके, ठीक है। और इसका कहता है कि प्रकृति का चिन्ह बताइए, तो चिन्ह क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा धनात्मक हो गया। मूल की प्रकृति जो डी निकालना था विवेचक का प्रकृति, तो विवेचक कैसा होगा धनात्मक होगा, ठीक है। अब आइए इसी प्रकार से सवाल, दूसरा जो सवाल है इसमें भी आपको मूल की प्रकृति यानी कि बताना है कि मूल की प्रकृति जो है क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, यानी कि वास्तविक या अवास्तविक। सबसे पहले जब भी यहाँ पर विवेचक की बात हो, प्रकृति की बात हो, तो हम लोग को ए बी सी की मान निकलना पड़ेगा। छः ग्यारह बी बराबर क्या जाएगा ए बराबर छः, बी बराबर माइनस ग्यारह, सी बराबर तीन आ गया। ए बी सी के वैल्यू लिखने के बाद हम जानते हैं चूँकि डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखिएगा कि b का वैल्यू आपका माइनस ग्यारह, इसका स्क्वायर माइनस फोर ए सी थ्री हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 121 माइनस छः चौक 24 दिया 72। अब ये घट के जब आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे क्या हो गया d बड़ा हो गया जीरो से, तो मूल जो प्रकृति जो होगा वो क्या होगा वास्तविक, क्या होगा मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक, वास्तविक और असमान, असमान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मूलों की प्रकृति आप आराम से बहुत ही कम समय में जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 3B का है, ये भारतीय भवन से रिलेटेड है, भारतीय भवन का है, ठीक है। भारतीय भवन पुस्तक में आप ढूंढेंगे 3B में तो निश्चित रूप क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 2-3 मिल जाएगा, ठीक है, देखिएगा। तो इस तरह से मूलों की प्रकृति, देखिए एक बहुत छोटा सवाल है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या कहा जाता है। आप पढ़े हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या कहते हैं विवेचक कहते हैं, यहाँ पर सीधा भर देना है क्या विवेचक या विवेक्तिगत जिसको डी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, तो विवेचक, बस इतना ही, ये ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा आ सकता है, ठीक है। देखिए इस तरह का अगर सवाल है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक मानक रूप मूल रूप दिया हुआ है द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आपसे पूछता है कि मूल वास्तविक कौन, क्या मूल वास्तविक कब होगा, क्या कंडीशन, क्या शर्त है। तो मूल वास्तविक होने के लिए शर्त आप जानते हैं कि डी जो है वह बड़ा या बराबर होना चाहिए जीरो के, तो मूल वास्तविक हो गया।
अब मूल वास्तविक जब हो गया कि जीरो से बराबर या जीरो के बड़ा, तो मूल वास्तविक होगा। इसमें दो कंडीशन आ गया कि वास्तविक जब मूल होगा तो वह दो तरह के होगा, एक तो समान होगा एक असमान होगा। तो समान कब होगा और असमान कब होगा, तो मूल की मूल वास्तविक और समान जो होगा कि जब डी का वैल्यू जीरो के समान हो जाए। और आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, द्विघात होता है तो दो मूल होंगे। क्यों? जैसे समान के मतलब अगर x का वैल्यू अगर माइनस दो आया, दूसरा भी वैल्यू क्या होगा माइनस दो, अगर एक आया तो एक आएगा, तीन आया तो तीन, माने जो भी आएगा, सात बटे चार आया तो सात बटे चार आया, जो भी होगा दोनों मूल एक ही रंग के होगा वास्तविक होने पर। इसीलिए इसको बोलते हैं कि मूल वास्तविक या समान होंगे, तो समान होने पर दोनों एक ही टाइप के होगा, बिल्कुल से चिन्ह भी सेम होगा, मान भी एक ही होगा, तो इसको समान बोलते हैं। ठीक है, तो d बराबर क्या आ जाएगा जीरो, d का मान अगर जीरो आ जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और d का मतलब क्या थी, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को हल करें, अगर यह जीरो आ जाए तो क्या कहेंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। असमान कब होगा, तो असमान के लिए अभी यहाँ पर दो शर्त था कि d बड़ा या बराबर, तो जब बराबर होगा तो समान और बड़ा होगा तो क्या होगा, जब बड़ा होगा जीरो से बड़ा होगा तो ये असमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा यानी कि बड़ा का मतलब है कि डी का वैल्यू जो भी होगा, डी का वैल्यू जो भी होगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव मान आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इस कंडीशन में दो वैल्यू आ जाएगा। यानी कि इसमें जो इसमें भी समीकरण के दो मूल होंगे तो वह कैसे आएगा, दो एगो तीन, यानी कि अलग अलग आए, कोई भी दो अलग अलग वैल्यू आ सकता है, पाँच चार है ना, या पाँच एगो माइनस पाँच एगो प्लस एगो माइनस, ये असमान हो गया, समान इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के इसमें दो वैल्यू होगा, तो यानी कि आपको हल कब करना है, जब मूल वास्तविक होंगे तो आपको हल करना है। यहाँ पे जब भी ये कंडीशन होगा तो आपको हल करना होगा, मूल ज्ञात करना होगा, मूल क्या करना होगा ज्ञात करना होगा, करना होगा है ना, या किया जा सकता है, मूल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जब वास्तविक होंगे मूल ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, किस कंडीशन में, जब मूल वास्तविक होंगे उस कंडीशन में हम मूल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, अवास्तविक, अवास्तविक होने के लिए मात्र एक सिंपल उपाय है कि यह जीरो से छोटा हो जाए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, मूल का डी का जो वैल्यू होगा वह छोटा हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को यदि आप हल करते हैं तो इसका मान कहीं ना कहीं जो भी आए वह निगेटिव में आ जाए, किस में आ जाए, निगेटिव में आ जाए, माइनस में। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का कोई भी मान अगर मतलब इस पूरे को हल करने के बाद यदि माइनस में चला आता है, माइन जैसे ही माइनस में आता है मतलब वो जीरो से छोटा हो जाएगा, क्योंकि जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, तो जीरो से जब छोटा होगा, जीरो से जब छोटा कोई वैल्यू अगर आ जाता है इस तरफ आता है डी का मान, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कि ये मूल अवास्तविक होगा। और अवास्तविक होने पर यानी इसका एक्स के मान जो होगा कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व होगा तो वैसा मान आएगा जो हमको यहाँ नहीं चाहिए। इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर नहीं पढ़ना है, नहीं विशेष कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बस इतना जानना है कि हाँ ये अवास्तविक होगा तो नहीं पढ़ना। अवास्तविक कब होगा, तो मैंने कहा कि डी का मान जैसे ही जीरो आ जाए, डी का मान क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा, डी का मान कैसे आ जाएगा माइनस में। अब आप जानते हैं सिद्धार्थाचार्य के नियम में माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, और इसी को हम लोग डी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डी कहते हैं माइनस प्लस माइनस डी बटे टू ए। तो आप देख रहे हैं कि डी का मान अगर निगेटिव आता है, डी के मान अगर निगेटिव आता है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर डी चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जब चला जाएगा तो इसको बहुत ही दिक्कत होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जाना चाहिए। देखिए रूट के अंदर अगर माइनस चला गया तो रूट के अंदर जैसे ही माइनस कोई भी संख्या जाएगा, चाहे वर्ग रहे चाहे नहीं रहे, वो क्या हो जाएगा अवास्तविक। ये स्क्वायर रूट के अंदर वर्ग सम रूट के अंदर अगर घुस जाता है कौन, माइनस, कौन घुस जाएगा माइनस, तो इसको बोलेगा अवास्तविक, यही संख्या है अवास्तविक का, अवास्तविक का ये एक उदाहरण है। ठीक है, कि रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में आ जाए तो इसको बोलेंगे अवास्तविक, क्या बोलेंगे अवास्तविक बोलेंगे। ठीक है,
इसीलिए और इस तरह की सब संख्याओं से संबंध यहाँ पर नहीं पढ़ना है।